आप नॉमिनेशन के लिए आई हैं, कहाँ से आई हैं, कौन सी पद के लिए आई हैं? जिला परिषद से आया, जिला परिषद पद के लिए आए, कंडाप काउंसिल ब्लॉक सरकारी। ये चुनाव लड़ने का क्या मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गांव में, हमारे जो गांव में, हमारे जो नहीं रखना चाहते कि पटना में हाई एजुकेशन के बच्चे जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं उनका लेवल इतना हाई है, जो हमारे पास बच्चे वो सरकारी में इतना लो क्यों है? जो एक क्लास का बच्चा उसको टू स्टैंडर्ड का पोएम तक नहीं आता, ये टेबल तक नहीं आता। ये एजुकेशन को हम बराबर करना चाहते हैं। जो फंड आता है वो जाता है कहाँ? सरकार तो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, सारे फंड आ रहे हैं, फिर वो जा कहाँ रहे हैं? वो अभी पिछले बार उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं ये डाटा है, आप कहें तो हम आपको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, पूरी डाटा हमारे पास है, कहाँ गए? ये हम बस न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप एक अच्छी पढ़ी लिखी है, अभी मैंने देखा आप इंग्लिश में बात भी कर रही थी, आप चाहती तो एक अच्छी नौकरी भी कर सकती थी, इसके बावजूद आप नौकरी छोड़ के आई हैं, इसके बावजूद आप लोग सेवा के लिए आ रही हैं, है ना? मेरा यही उद्देश्य कि सेवा के लिए आना है, और हमें अपने समाज को बिल्कुल अच्छे ऊपर लेवल पर लेके जाना। नॉमिनेशन के बाद अगर आप चुनाव में जाती हैं, अगर जीत गई तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम है महिलाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर खोलना, जिसमें कि आज का बेसिक एजुकेशन है कंप्यूटर। हमारे नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि मेक इंडिया, टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? आप गांव में आके किसी लेडी को वो अपना फोन रिचार्ज कराने के लिए वो दुकान जा रही है, वो खुद भी ऑपरेट नहीं कर पा रही है। सबसे पहले मेरा बेसिक उद्देश्य होगा कंप्यूटर का नॉलेज हर लेडीज को, हर बच्चे को देना। कैसे देंगे आप? सरकार से अनुरोध करा के वहाँ पे सेंटर खोला जाएगा, हर पंचायत हर ग्राम के अंदर जितनी हमें जानकारी होगी उतना हम खोलेंगे। लगेगा तो हम घर घर पे भी, जैसे एजुकेशन वृद्धा एजुकेशन के लिए किया गया था उसी तरफ से हम कंप्यूटर का भी एजुकेशन देंगे। एक बार नाम सबके साथ परिचय दीजिए। मेरा नाम कुमारी सुखी गुप्ता, कंडाप गाँव प्रखंड संपत। कौन सी पद के लिए?